आईपीएल 2024 का 8वां मैच खेला गया हैदराबाद और मुंबई के बीच में। इस मैच में काफ़ी ज़्यादा रिकॉर्ड समय टूटते हुए देखने को मिले हैं, जैसे कि सबसे ज़्यादा रन्स बन गए हैं एक टीम के लिए, 277 यानी 277 रन बनाए। पहली इनिंग में हैदराबाद ने वहीं चेज करते हुए मुंबई ने भी अपने जौहर पूरे दिखाए हैं, और यहाँ पे टोटल एग्रीगेट जो है हाईएस्ट एग्रीगेट रन्स भी बने, यानी दोनों टीमों ने मिला के भी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रन्स बनाए एक आईपीएल के मैच में अभी तक, 523 जो कि आज के मैच में ही बने हैं। और सबसे ज़्यादा सिक्सेस भी इसी मैच में लगे हैं आईपीएल के इतिहास में, वो है 38 यानी 38 छक्के इस मैच में कुल मिला के लगे हैं। अगर हम पारी के तौर पे देखें तो सबसे पहले तो हैदराबाद की बल्लेबाजी आती है, और हैदराबाद के कौन से बल्लेबाज ने कोई क्या नहीं किया यार। यहाँ पे मयंक अग्रवाल को छोड़ दें तो ट्रेविस हेड ने 62 रन बनाए हैं, अभिषेक शर्मा आए उन्होंने 23 गेंदों में 63 की धुआंधार पारी खेली, और उसके बाद एडन मार्करम ने 42 रन बनाए हैं, और हेनरी क्लासन ने अपने पहले मैच वाला फॉर्म जारी रखते हुए बनाए 80 रन। वहीं मुंबई की गेंदबाजी की बात करें तो मुंबई की गेंदबाजी काफ़ी ज़्यादा निराशाजनक रही, मात्र यहाँ पे एकमात्र गेंदबाज थे वो थे जसप्रीत बुमराह, जिन्होंने 4 ओवर में मात्र 36 रन, मात्र बोल रहा हूँ क्योंकि टोटल इनके रन्स देखें तो 277 है, यानी टोटल इनकी एवरेज जो है 14 के आसपास थी रन रेट, लेकिन वहीं जसप्रीत बुमराह ने मात्र 9 की इकॉनमी से गेंदबाजी की है। अगर हम बढ़े यहाँ पे मुंबई इंडियंस की पारी की तरफ, उन्होंने चेज करते हुए स्टार्ट तो उनको बढ़िया मिला था, यहाँ पे 56 रन की स्टार्टिंग यानी ओपनिंग पार्टनरशिप हुई थी उनके, यहाँ पे रोहित शर्मा और ईशान किशन के बीच में काफ़ी बढ़िया मोमेंटम मिला था, लेकिन वहाँ पे आउट हो जाते हैं, यहाँ पे ईशान किशन आउट हो जाते हैं 34 रन पे, मात्र 13 गेंदों में उन्होंने 34 रन बनाए थे। जैसे ही वो आउट होते हैं उसके तुरंत बाद यहाँ पे रोहित शर्मा भी आउट हो जाते हैं, 66 पे 2 हो जाती है मुंबई की पारी। लेकिन उसके बाद भी उम्मीद थी कि नमन ने बहुत बढ़िया पारी खेली और तिलक वर्मा ने भी 64 रन बनाए 34 गेंदों में, लेकिन जैसे ही हमारे नए कप्तान आते हैं बल्लेबाजी के लिए तो सभी उम्मीदें ध्वस्त हो जाती हैं, क्योंकि वो 20 गेंदों में मात्र 24 रन बना के चल पड़ते हैं पवेलियन की तरफ। 120 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने बल्लेबाजी की। टिम डेविड की पारी जो 42 रन की थी वो भी वेन में चली गई। असल में मोमेंटम कहाँ पे शिफ्ट हुआ, मोमेंटम शिफ्ट हुआ था दूसरे यहाँ पे टाइम आउट के बाद, जब पैट कमिंस ने ओवर डाला था वहाँ पे मोमेंटम शिफ्ट हुआ। पैट कमिंस ने काफ़ी इकोनॉमिकल गेंदबाजी की, यानी काफ़ी बढ़िया गेंदबाजी की, मात्र 35 रन दिए उन्होंने 4 ओवर में, 2 विकेट भी झटकाई, काफ़ी महत्वपूर्ण विकेट्स थी। और जयदेव नाथकाट ने भी एक बढ़िया ओवर डाला, और भुवनेश्वर कुमार ने भी एक बढ़िया ओवर डाला था, हालांकि उन्होंने 53 रन जरूर खाए हैं पूरे, यानी कंसीड किए हैं पूरे अपने स्पेल में, लेकिन एक बढ़िया ओवर उन्होंने भी डाला था। तो यही था इस मैच का सार के हैदराबाद ने यहाँ पे 31 रन से इस मैच को जीत लिया है। और ओवरव्यू में जाएं तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, अभिषेक शर्मा को मिला है प्लेयर ऑफ द मैच, यानी मैन ऑफ द मैच बन चुके हैं अभिषेक शर्मा।